हाँ जी दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब ठीक हो। दोस्तों आज मैं आज पांवटा साहिब में, और जो पांवटा साहिब की हिस्ट्री है इस वीडियो को एंड तक देखना, उसमें मैं सब बताऊंगा इसकी क्या हिस्ट्री है। हाँ जी दोस्तों, यही वो ऐतिहासिक गुरुद्वारा है जिसके दर्शन के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। और पहले पांवटा साहिब को नाहन रियासत के नाम से जाना जाता था, और नाहन रियासत के जो राजा थे मेदिनी प्रकाश जी थे, और एक दिन उनको दर्शन देने के लिए गुरु गोविंद सिंह जी आनंदपुर साहिब से पांवटा साहिब तक आए थे, और उनके साथ 500 घुड़सवार और उनका परिवार भी उनके साथ था। और उस टाइम में उनकी आयु केवल 17 साल थी। जब राजा को ये बात पता चली कि गुरु गोविंद सिंह जी उनके एरिए में आए हुए हैं, तो वो उनके स्वागत के लिए गए। फिर राजा ने गुरु जी से विनती की कि इस एरिए को अपने चरणों से पवित्र करें। गुरु जी ने उनकी विनती स्वीकार करी और वो एरिया घूमने के लिए चले गए। घूमते घूमते वो एक यमुना नदी के तट पर आ गए, और तट पर आ गए उन्होंने देखा कि वहाँ पर बहुत हरियाली है और शांति है। तो गुरु जी ने राजा को कहा कि मैं अपना डेरा यहीं लगाना चाहता हूँ। राजा ने जब यह बात सुनी तो राजा ने तुरंत उसका निर्माण शुरू करवा दिया था। फिर राजा ने अपने राज्य में एक घोषणा कर दी कि आनंदपुर ते आए, इस भूमि ते पाँव टकाए, और पाँव टकान ते ही इसका नाम पांवटा साहिब रख दिया गया। फिर उस तो बाद सतगुरुआं ने पवित्रता बख्शी, फिर गुरबाणी शुरू करी, फिर लंगर शुरू कराया, और आज ये इतना ऐतिहासिक गुरुद्वारा है कि इसके दर्शन के लिए लोग बड़ी दूर दूर से आते हैं। और श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने अपना पहला युद्ध भी इसी स्थान से लड़ा था, जिसको हम पंगाणी के नाम से जानते हैं। पंगाणी पांवटा साहिब से 20 किलोमीटर दूर है, और पांवटा साहिब से 12 किलोमीटर दूर गुरुद्वारा शेरगाह है, जहाँ श्री गुरु गोविंद सिंह ने विशाल शेर का शिकार किया था, यानी एक खूंखार शेर का शिकार किया था उस स्थान पे। और पांवटा साहिब में 4.5 साल बिताने के बाद वो वापस आनंदपुर साहिब चले गए थे। पांवटा साहिब बड़ी पवित्र धरती है, क्योंकि इस पांवटा साहिब धरती पे बड़े साहिबजादे बाबा अजीत सिंह का जन्म भी इस पांवटा साहिब में ही हुआ था। एक बार एक ऋषि मुनि गुरु गोविंद सिंह जी के दर्शन के लिए उनका इंतज़ार करता रहा, तपस्या करता रहा। जब बाबा जी ने उनको दर्शन दिए तो उन्होंने उनकी हाथों में ही दम तोड़ दिया था। तो उनके लिए भी वहाँ पर एक मंदिर बना हुआ है। तो दोस्तों, जितनी जानकारी मेरे को थी वो मैंने दी है इस वीडियो में बता, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो एंड तक देखना, और गुरुद्वारे के दर्शन करो। थैंक यू। दोस्तों, यही वो गोविंद घाट है जहाँ पर श्री गुरु गोविंद सिंह जी आके रुके थे। और ये यमुना के तट पर ही एक मंदिर है, ये भी बहुत सुंदर मंदिर है। एक और सच्चाई जो कि बहुत ही कम लोगों को पता है,
कि जो श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी थे वो माता काली और महादेव शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे। यही वो यमुना नदी है और यमुना नदी के किनारे मंदिर है, मंदिर की बैक साइड पे गुरुद्वारा, यानी कोई भी घूमने आए तो यहाँ धर्मशाला का भी है, आप यहाँ रात रुक सकते हो। और इसका सबसे अच्छा व्यू वहाँ से आता है, जो ये पुल देख रहे हो ना, वहाँ से गुरुद्वारा भी क्लियर दिखता है, ये घाट भी क्लियर दिखता है और ये मंदिर भी क्लियर दिखता है। और इससे आगे आप देहरादून भी जा सकते हो घूमने, पर ये एक बहुत ही पवित्र स्थान है, आप जब कभी भी जाओ तो यहाँ ज़रूर मत्था टेकने जाना। लोगों का यही कहना है कि यहाँ जो भी है दिल की मुराद पूरी हो जाती है।